नमस्कार दोस्तों, नड्डा ऑटोमोबाइल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। ये शेवरलेट बीट डीजल है 2012 मॉडल। तो इसमें जो है स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम है, यानी कि सुबह के टाइम जो है ये स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, और या फिर ये 2-3 घंटे अगर चलने के बाद खड़ी हो जाए और उसके बाद इसको स्टार्ट करने की कोशिश की जाए तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा लंबे सेल्फ लेती है, लॉन्ग क्रैंकिंग है गाड़ी में। तो हम इसको डायग्नोस करेंगे। पहले हम जो कस्टमर कंप्लेंट है ये कंफर्म कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसको स्कैन करने जा रहे हैं। तो ये शेवरलेट बीट है, तो शेवरलेट में हम जाएंगे। तो ऑटोमेटिक सर्च, यस, सिस्टम सिलेक्शन, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, 1.1 मैनुअल। तो इसमें एयर मास सेंसर, एयर इनटेक टेम्परेचर सेंसर और हीटर प्लग का जो फॉल्ट आ रहा है, सिलेंडर 2 सिलेंडर 3। तो ये फॉल्ट जो आ रहा है ये हीटर प्लग से रिलेटेड है। तो गाड़ी को स्टार्ट होने के लिए प्री हीटिंग चाहिए ये डीजल गाड़ी में। तो जो हीटर प्लग है गाड़ी के उसमें कोई प्रॉब्लम बता रहा है, इसको हम डायग्नोस करने जा रहे हैं। कंटिन्यू ये वीडियो देखते रहें। दोस्तों ये इसके हीटर प्लग लगे हुए हैं, ये इसकी 3 वायर हैं, 1, 2, 3, और ये इसमें कनेक्टर लगा हुआ है और इसकी जो कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है ये इसका टाइमर है हीटर प्लग का। जब हम इग्निशन ऑन करते हैं तो ये हीटर प्लग को सप्लाई देता है, इसके थ्रू हीटर प्लग को सप्लाई जाती है। तो हीटर प्लग का टाइमर है ये, कुछ टाइम के लिए हीटर को ऑन करता है। तो ये इसकी पहले सप्लाई हमें चेक करनी पड़ेगी और मल्टीमीटर से, फिर देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। कंटिन्यू ये वीडियो देखते रहें। हम यहाँ पे इसकी जो है सप्लाई चेक करेंगे। ये हमने मल्टीमीटर कनेक्ट कर लिया है, अब हम स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे सप्लाई चेक करेंगे। तो ये सप्लाई जो है इस पर नहीं आ रही, यानी कि यहाँ से जो सप्लाई हीटरों को जाएगी वो नहीं आ रही। इसमें सप्लाई हम चेक करेंगे कि इसमें पीछे से आ रही है, स्विच ऑफ करके ऑन कर। तो इसमें 12 वोल्ट एग्जैक्ट जो है सप्लाई आ रही है, ये 10 वोल्ट, तो 11 वोल्ट। तो इसमें जो सप्लाई आ रही है तो जो इसका टाइमर है इसमें सप्लाई पास नहीं हो रही, तो इसमें प्रॉब्लम है, हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो हमने इसमें नया जो टाइमर है इग्निशन कॉइल का वो हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब हम इसके जो फॉल्ट है वो डिलीट करने जा रहे हैं। तो इसको डिलीट करने के लिए रीड करने के बाद ये इसके जो सारे फॉल्ट हैं इसको हम डिलीट करेंगे। क्लियर फॉल्ट कोड, तो इसमें नो ट्रबल कोड सिस्टम नॉर्मल, तो इसमें कोई भी अभी फॉल्ट कोड नहीं है। तो हम इसको स्टार्ट करके देखेंगे। जी हमने इसको फिक्स कर लिया है और इसके हमने फॉल्ट जो है इसके डिलीट कर दिए है, हीटरों का टाइमर हमने नया इसमें फिक्स कर दिया है। अब हम इसको स्टार्ट करके देखेंगे। तो ये अच्छे से अब स्टार्ट हो रही है, पहले बहुत ही ज़्यादा लंबे सेल्फ लेती थी। तो
तो बिल्कुल अब गाड़ी स्मूथ है। ऐसी ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल नड्डा ऑटोमोबाइल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।